हेलो माय लवली बेकर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी आप लोगों के साथ और एक नए केक के डिज़ाइन शेयर करने के लिए आ गया। तो आई होप आज का केक डिज़ाइन भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बार आप लोग पूरे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहे, बहुत कुछ दिखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और जानने को भी मिलेगा। और अगर आप लोग मेरे से कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों के जो रिक्वायरमेंट है वो जरूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक केक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, और आज मैं पाइनएप्पल वाला केक बना रही हूँ। तो आज का जो डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही यूनिक वाला और बहुत ही सिंपल सा है, बट बहुत ही यूनिक वाला एक डिज़ाइन है, और वो वाला डिज़ाइन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आज का केक के ऑर्डर मेरे पास आया हाफ पाउंड के केक, लेकिन कस्टमर ने बोला हाफ पाउंड के पाइनएप्पल केक चाहिए लेकिन हाइट में नहीं चाहिए, लेकिन केक का चौड़ाई में बड़ा दिखने वाला चाहिए उसको। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, हाफ पाउंड के मेज़रमेंट से मैंने प्रीमिक्स लिया हूँ और उसको मैंने 1 पाउंड के केक टिन में बेक कर लिया। फिर इसको बेक करने के बाद अच्छी तरह से ठंडा कर लिया और बस दो ही लेयर में काटा हूँ, और दो ही लेयर में काटने के बाद मैंने स्पॉन्ज की लेयरिंग कर लिया। और ये स्पॉन्ज मैंने नॉर्मल वेनिला वाला ही बनाए हूँ। तो कभी कभी ना इस तरह का छोटा छोटा टिप से भी आपको ज़्यादा ऑर्डर मिल सकता है। तो स्पंज को मैंने दो ही लेयर में कट लिया, और काटने के बाद मैं डायरेक्ट टर्न टेबल के ऊपर केक बोर्ड रख के उसके ऊपर थोड़ा क्रीम देके क्रीम को स्प्रेड कर लिया। स्प्रेड करने के बाद केक की जो सबसे ऊपर वाला लेयर थे दो ही लेयर में काटा हूँ, तो सबसे ऊपर वाला लेयर मैंने फर्स्ट लेयर में रखा हूँ और उसको मैंने अच्छी तरह से सोक कर लिया। तो इसको मैंने शुगर सिरप से नहीं सोक किया हूँ, बस पानी के साथ थोड़ा पाइनएप्पल क्रश ऐड किया, फिर उसको मिक्सड किया, फिर उसी से मैंने जो स्पंज को है उस स्पंज को मैंने सोक कर लिया। और बस क्रीम के स्पंज को सोक करने के बाद मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया, और पाइपिंग बैग से ही मैंने क्रीम को अप्लाई किया केक के ऊपर, फिर मैंने थोड़ा स्प्रेड कर दिया। और मैं पहले ही बोला कि आज मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने लेयरिंग में पाइनएप्पल वाला क्रश यूज़ किया हूँ और उसको भी स्प्रेड कर लिया। स्प्रेड करने के बाद मैंने सेकंड लेयर डाल दिया, और सेकंड लेयर तो सबसे नीचे वाला लेयर ही मैं हमेशा डालती हूँ, और आज तो दो ही लेयर है तो सेकंड लेयर ही मेरा जो लास्ट लेयर होता वही हो जाएगा। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से सोक कर लूँगी उस पानी और पाइनएप्पल वाला क्रश सिरप से जो मैंने बनाया था उसी से अच्छी तरह से सोक कर लूँगी। और सोक करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत क्रीम देके उसका जो क्रम कटिंग होता है वो क्रम कटिंग कर लूँगी, और क्रम कटिंग करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और आपको मैं और एक बात सजेस्ट करूँगी, अगर आप होम बेकर्स हो और विगेनर्स भी हो तो कभी ना ऑर्डर को जाने मत दीजिए, मतलब कैंसिल ना करें, ट्राई करें कि ऑर्डर लेने की, अगर आपके थोड़ा प्रॉब्लम भी हो उसमें या फिर प्रॉफिट कम रहे फिर भी ऑर्डर को कैंसिल ना करें, नहीं तो बाद में ना ऑर्डर आना कम हो जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसी से मैं आप लोगों के साथ ये वाला एक्सपीरियंस शेयर किया। तो देख सकते हो केक की क्रम कटिंग करने के बाद मैं उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। तो अब मैंने इधर क्रीम को रेडी कर लूँगी, तो मैंने क्रीम के साथ ग्रीन कलर 1 ड्रॉप लिया हूँ और येलो कलर 2 ड्रॉप लिया हूँ, और इसमें मेरा लाइट वाला ग्रीन कलर चाहिए। तो मैं अच्छी तरह से क्रीम के साथ मिक्सड कर लूँगी, और आज इसी से मैंने केक की जो आइसिंग होता है वही कर लूँगी। तो थोड़ी देर के लिए जब तक मैं केक को फ्रीज में रख लूँगी तो तब तक मैंने क्रीम को रेडी कर लूँगी। तो क्रीम मेरा देख ही सकते हो परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो अब मैंने केक के ऊपर एक क्रीम को लगा दूँगी और मेरे जो केक की आइसिंग है वो कर लूँगी। और आज मैंने पाइपिंग बैग में भर के क्रीम को अप्लाई नहीं करी, तो आज डायरेक्ट मैंने केक के ऊपर क्रीम को रखा हूँ, फिर उसको मैंने स्प्रेड कर लिया। और आज मैंने सबसे ऊपर वाला पोर्शन को पहले मतलब क्रीम देके फिर उसको स्प्रेड किया, फिर मैंने आज साइड को कर रही हूँ। तो हमेशा मैंने पहले साइड को करती हूँ फिर मैंने ऊपर को करती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ऊपर का किया फिर मैंने साइड को किया। और जो आज का केक की साइड वाला पोर्शन है वो मेरा ज़्यादा ऊँचाई नहीं है, तो इसलिए मेरा प्रॉब्लम भी नहीं होगा ज़्यादा, और इसलिए मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को भर के अप्लाई नहीं किया हूँ, बस स्पैचुला से दिया और मैंने बस स्प्रेड किया। और आज का जो वीडियो है ये अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, तो इसमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट्स भी नहीं करते हो, तो फिर वीडियो बनाने में बिल्कुल मन नहीं करता है, तो बहुत ही डीमोटिवेशन हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसलिए मैं उस लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें मेरा जल्दी से जल्दी 1K कम्प्लीट हो जाएगा। और आप लोगों के प्यार से मैं इतने दूर आया हूँ, तो प्लीज़ और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी लोग सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी 1K कम्प्लीट कर दीजिए। तो देख ही सकते हो मेरा इधर केक की जो आइसिंग है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं,
और अब मैंने लिया हूँ ग्रीन कलर, मतलब जिस कलर से मैंने केक की आइसिंग किया हूँ उस कलर से थोड़ा लाइट कलर लिया हूँ, और सेट में जो नोज़ल मिलता है तो उसी का एक स्टार वाला नोज़ल लिया हूँ, और उसी से मैंने यू करके एक डिज़ाइन कर लूँगी पहले, फिर मैंने कर लूँगी जो यू करके डिज़ाइन किया हूँ, और एक यू एंड किया हूँ और दूसरे यू उसी जगह से स्टार्ट किया हूँ, तो उस जगह पे बस उसी नोज़ल से मैंने एक छोटा छोटा करके लाइन टान लूँगी। तो पहले तो मैंने दो ही लाइन टाना हूँ, एक अंदर की तरह और एक बाहर की तरह, लेकिन मुझे बाद में लगा कि और एक दो लाइन टान देती हूँ उसके पास पास, तो ये और भी थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा और एक डिज़ाइन भी हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा, तो इसलिए मैंने अंदर की तरफ तीन और बाहर की तरफ तीन लाइन टन लिया। तो देख ही सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा लुक लाए आए और बहुत अच्छा दिख रही है, एक डिज़ाइन भी बन के रेडी हो गया। तो सोची नहीं थी कि इतने सुंदर डिज़ाइन हो जाएगा, तो करते करते कंप्लीट हो गया इस टाइप का डिज़ाइन। और अब मैंने जो सेट में नोज़ल मिलता है उसी से और एक स्टार वाला नोज़ल लिया हूँ और पिंक कलर की क्रीम लिया हूँ उसमें, और जो ग्रीन कलर की क्रीम से मैंने लंबाई लाइन टान के एक फ्लावर बना ली थी, 6-6 करके जो लाइन टान के मैं फ्लावर बना ली थी, तो उसके ऊपर छोटा छोटा करके उसी नोज़ल से, मतलब पिंक कलर की क्रीम से छोटा छोटा करके रोज़ बना लिया, और उसके ऊपर एक एक करके गोल्डन शुगर बॉल रख दिया, तो ये और भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगा। तो अब उसी क्रीम से, मतलब जो पिंक कलर की क्रीम मैंने लिया हूँ और स्टार वाला नोज़ल, तो उसी से मैंने ऊपर तो छोटा छोटा करके 5 फ्लावर बना लिया रोज़, तो उसी से मैंने जो साइड में बॉर्डर होता है तो उसी वाला बॉर्डर दे दूँगी, तो छोटा छोटा करके जो फ्लावर बनता है ना जो स्टार स्टार वाला, तो उसी फ्लावर बना के पूरे केक को कवर कर लूँगी। तो आज का तो ये सिंपल वाला ही केक था, बट बहुत ही अट्रैक्टिव, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रही है आज का डिज़ाइन। मैंने सोची भी नहीं थी कि इतना सुंदर हो जाएगा केक पूरे रेडी होने के बाद, लेकिन जब कर रही थी तो तब सोचे ही नहीं थे कि इतना सब कुछ करूँगी या फिर ये केक इतना सुंदर दिखेगा, लेकिन जब लास्ट में ये पूरे केक रेडी हो गया तो बहुत ही अच्छे तरह से दिखा, मतलब केक दिख रही थी। तो आज का केक डिज़ाइन यही थे, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।